अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ पे आप किस कारण आप बैठ रहे हैं? देखिए सर, हम इस कारण बैठे हैं, पिछले 60 दिनों से शाहीन बाग सड़क को इन लोगों ने बंद कर रखा है, जो कि अनुच्छेद 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है और हमारे मूल अधिकारों पे डाका मारा जा रहा है। इसीलिए हम शाहीन बाग सड़क को खाली करवाने को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। आगे आपने क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यह है कि हमें, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अन्ना आजादी का राष्ट्रीय प्रचारक हूं और हम शांति में विश्वास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं। इसलिए हम जब तक शाहीन बाग सड़क नहीं खुलवा दी जाती है, हमारा ये हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन, बिल्कुल अनिश्चितकालीन कह सकते हैं आप। पब्लिक को क्या आप देना चाहते हैं? मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग जब राजस्थान से आए हैं, सीकर राजस्थान से हम आए हैं, मेरे साथ स्वामी मुनि महाराज हैं और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बलबीर भारतीय, तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप तो यहाँ के हैं, इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि भाई जागो, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये अपना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने कोई जायज मांग नहीं कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, आप यहाँ हमने इसकी मुहिम शुरू कर दी है, इस रक्षा के लिए आप भी बता रहे हैं, ये आपका मूल अधिकार है जो संविधान का भाग 3 में प्राप्त मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और ये हमारे जो संविधान का मूल भाग 3 में प्राप्त हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम हंगर स्ट्राइक के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मूल अधिकार को बचा रहे हैं हम। तो हम आपसे भी अपील करते हैं कि स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि आप भी यहाँ आए, क्योंकि हम सुबह 9 बजे आ जाते हैं और शाम को 7 बजे तक रहते हैं। हम तो ये भी कहते हैं हम तो यहाँ भी रुकने को तैयार हैं, लेकिन हमारी रात को कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, भाई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। रहने की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो हम यहाँ रख जाएंगे, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें फिर वहाँ जाना पड़ता है। राजीव चौक जाते हैं हम तो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 बजे तक हमारा कार्यक्रम लगातार चलता है। हम 5, 6 और 7 फरवरी को भी हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, प्रस्तावित अनशन था, वो हमने पूरा किया, और हम जब हमें आश्वासन मिला 2 दिन का तो हम 7 और 8 को चले गए। उसके बाद में हम पुनः 10 फरवरी से यहाँ पर पड़ाव डाल रखा है इन अपग्रियों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो जनता को 60 दिन से परेशान कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, ऐसे वैधानिक आंदोलन करने वालों को आप देशद्रोही कह सकते हैं साहब, क्योंकि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि लोगों ने जनता को परेशान करके देशद्रोही का ही काम करे, क्योंकि रास्ता रोकना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना देशद्रोही की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये सड़क इस देश की है, किसी के बाप की नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक इनकम टैक्स जो जाता है, टैक्स का पैसा भर जाता है, और वो लोग इस सड़क पे यूं नहीं बैठ सकते, मैं भी नहीं बैठ सकता, कोई नहीं बैठ सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। मैं तो कहता हूँ सरकार एक सख्त कानून बनाए कि जो लोग सड़क रोक के आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके तुरंत प्रभाव से उनको जेल डाला जाए।